और इनका कैसे होगा, ये पर्स लगे हुए हैं, ये 100 रुपीज की रेंज है। कॉपर की आइटम जी आपको बहुत मिल जाएंगी, क्योंकि अगर आप इस मार्केट में आ रहे हैं ना, तो जैसे तांबे का आप अगर आपने घड़ा भी लेना है, कैंपर लेना है, वो हर एक चीज आपको मिल जाएगी इस मार्केट में। 22,000 ये पित्तल होगा। अच्छा ये 100 रुपए में, अच्छा ये 100 के 3 पेयर। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। सो अभी फिलहाल जैसा कि आपको पता है कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने हवा महल को कवर किया था, तो अब हवा महल तो हमने कवर कर लिया, लेकिन हवा महल की मार्केट भी दिखानी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना हवा महल था। तो चलिए अभी आपको मैं सारी मार्केट दिखा देता हूँ हवा महल की, कि अगर आप लोग हवा महल देखने आ रहे हो और मार्केट में कुछ सामान लेना चाहते हो, तो आपको मार्केट का पता होना चाहिए कि आप क्या क्या चीजें शॉपिंग कर सकते हो, और उनका प्राइस भी हम लोग दुकानदारों से थोड़ा पूछ लेंगे कि कौन सी चीजें क्या क्या है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। कैसे कैसे भैया इनका प्राइस? 250 और 300। बर्तन वगैरह भी सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे देखिए पूजा पूजा का सामान, अगर आरती उरती का जो करने वाला बना हुआ है, वो सारी चीजें हैं। एक छोटी तांबे की गड़वी कैसे होगी अंकल? 65 रुपए की। तांबा होगा कॉपर? थैंक यू। घंटियां देखिए जी, घंटियां भी यहाँ पे मिल जाएंगी, गरुड़ छपा हुआ। कैसे कैसे है भैया? 100 रुपीज। अच्छा ये 100 रुपए में, अच्छा ये 100 के 3 पेयर, ये 100 के 5 पेयर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इनका कैसे होगा, ये पर्स लगे हुए हैं, ये 100 रुपीज की रेंज है। अच्छा ये 130 की है, ये 150 की है, ये भी 130। ये पर्स होंगे ना, ये लटकाने वाले में। और ये वाला 130। आपको पता है कि लोगों को हवा महल देखते देखते भूख तो लगेगी ही, तो अभी मार्केट में जैसे ही मैं पहुंचा हूं, तो यहाँ पे हैं जी लाला जी पकौड़े वाले, और देखिए जी इनकी पकौड़ियाँ यहाँ पे हो रही हैं तैयार। ये तो शायद ये मीठे वाले होते हैं जी, गुड़ के जो बने होते हैं। सबसे पुरानी मशहूर दुकान लाला जी पकौड़े वाले, मथुरा वाले। अच्छा ये बेसन की होंगी। अच्छा और ये वाली कौन सी होती है? दाल की। अच्छा ये लग रहा है जी अपना मिर्ची पकौड़ा, कचौरी और ब्रेड, बहुत बढ़िया। अब हमारे जगन्नाथ शर्मा पकौड़ी वाले, 162 नंबर दुकान, और यहाँ पे हो रही है जी देखिए पकौड़ियाँ, समोसे वगैरह सारे, और मट्टी बुट्टी लगा रखी है जी, बल्कि बढ़िया तरीके से। अब आपने वीडियो देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि मैंने पकौड़ियाँ क्यों नहीं ट्राई की, तो मैं आपको बता दूं कि भाई अभी एक्चुअली मैंने ब्रेकफास्ट जो है वो लेट किया था, ठीक है, तो अभी तक भाई ब्रेकफास्ट ही डाइजेस्ट नहीं हो पाया, ठीक है। तो अभी तो चलो घूम ही रहे हैं हम लोग, लेकिन कुछ ना कुछ खाएंगे जरूर अभी आगे। तो अभी जैसे मैं आपको मार्केट एक्सप्लोर करवा रहा हूँ, तो अभी मार्केट सारी देखेंगे हम लोग। छोटे छोटे यहाँ पे भाई ये आ गया लोकर,
आपको ऊपर की यहाँ पे चीजें पूछते हैं जी। अंकल कैसे है ये बोतल? 350 एक लीटर होगा। और ये बड़े वाली, ये 2 लीटर हो जाएगी ना? सही है जी। ये अपनी देखिए जी 2 लीटर की बोतल है। और ये जग वगैरह और 550। कॉपर की आइटम जी आपको बहुत मिल जाएंगी, क्योंकि अगर आप इस मार्केट में आ रहे हैं ना, तो जैसे तांबे का आपको अगर आपने घड़ा भी लेना है, कैंपर लेना है, वो हर एक चीज आपको मिल जाएगी इस मार्केट में। ये देखिए आप, पूरा घड़वा है ये तांबे का, और इससे भी बड़ा बड़ा अगर आप तांबे का कोई बड़ा तकड़े वाला घड़ा लेना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये जो बड़े वाला घड़ा पड़ा है कितने लीटर का होगा? 15 लीटर का। तो ये जो आप घड़ा देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला, ये 15 लीटर का घड़ा है। ठीक है, थैंक यू अंकल। घड़ियां मिल जाएंगी जी। ये देखिए इधर पूजा पूजा का सामान, सोमनाथ चाय वाला, खंडा ट्रेडर्स। ये क्या चीज होती है अंकल? मंदिर के ऊपर वाला। अच्छा, मंदिर के ऊपर वाला। अच्छा, इसमें कुछ होता है कि भाई ये मतलब कितने होने चाहिए, ऐसा कुछ भी होता है? अच्छा, क्या प्राइस रहता है इसका सारे का? 22,000। ये पित्तल होगा। और ये वाला, ये कितने का होगा? ये 6-7 हजार का। अगर इसका मतलब कितने किलो का हो सकता है, क्या कुछ रहता है? 20 किलो के आसपास। तो ये जो चीज एक्चुअली मैं ना जी यहाँ से 2-3 बार जैसे मैंने आगे इधर देखी ना, तो काफी जगह ये चीज मैंने देखी हुई थी, पड़ी हुई देखी थी, तो बड़ा मैं थोड़ा सोच रहा था कि क्या चीज हो सकती है, कि क्यों ना पूछा जाए। तो अभी अंकल जी के पास होगा तो मैंने पूछा। तो ये पित्तल का होता है जी। ये मंदिर के ऊपर, जैसे मंदिर की जो छत होती है, जैसे ऊपर जब निकलता है मंदिर की तरह, तो ये ऊपर उस मंदिर पे ऊपर लगाया जाता है, छत्र टाइप का होता है कि बहुत बड़ा। तो जैसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया 22-23 हजार का मिल जाता है, और वही कोई 23-24 किलो का बताया, और ये पित्तल का बना हुआ था। तो मार्केट में घूमते घूमते जी प्यास तो लगाई थी अपने को, तो हमने ले लिया अपने लिए स्प्राइट। तो चलिए और देखते हैं जी मार्केट में और क्या क्या चीजें हैं। ओए हो, क्या था ये? बिल्कुल पास से लंके गया कबूतर।